पहुंच गए हैं। इस वक्त मैं मरी लॉय टॉपर में खड़ा हूं। तो ये वो वाहिद जगह है मरी में जहां पर सूरज की रोशनी पड़ रही है। इस रास्ते में मैंने कोई भी सूरज की रोशनी नहीं देखी रोड पर, जितने देर मैंने सफ़र किया कहीं पर भी मुझे सूरज की रोशनी नज़र नहीं आई। हाँ, दूर दराज में आते थे कि वो पड़ रही है सूरज की रोशनी, वो सूरज की रोशनी पड़ रही, लेकिन ऐसा नहीं था। हमारे पास सूरज की रोशनी नहीं थी। ये वाहिद वो जगह है जहाँ पर सूरज की रोशनी नज़र आ रही थी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा सूरज, ये देखें जी, ये सूरज की रोशनी पड़ रही है यहाँ पर थोड़ी सी। ये मेरा बाइक है जो मुझे यहाँ तक लेकर आया। सामने लिखा हुआ लॉय टॉपर। ये नीचे बाजार है, यहाँ सबकी हवा चल रही है जो कि ये बता रही है कि आप लोग इस वक्त बरी में हैं। गर्मी में आपने सर्दी का मज़ा लेना है तो ज़रूर आइएगा, इससे बेहतर आपको कोई जगह नहीं मिलेगी। ऐसा लगता है हर जगह पे एसी लगे हुए हैं और आप किसी एसी वाली मॉल में चले गए हैं जहाँ पे आपको ठंड लग रही है। मोटर बाइक नहीं, F16 है जो कि मुझे दूर दराज इलाकों में और वो भी पहाड़ी इलाकों में लेकर आता है। अदरवाइज़ बाइक जो होती है वो मैदानी इलाके में होती है, 70 खासतौर पे मैदानी इलाकों के लिए होती है। लेकिन यहाँ आप देख लें, ये मुझे पहाड़ी इलाकों में लेकर आया था, मैंने कोह में लेकर आया। इसके अलावा मरी, सवात, अभी तो आगे भी जाना है इंशाल्लाह, सवात जाएँगे, नरान का गान जाएँगे और बहुत से इलाके जो भी हैं वो अभी घूमना बाकी है। तक आते हुए 6 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी चेयर लिफ्ट की टिकट्स जो है वो मिल रही हैं। आज 14 अगस्त का रश है तो इसलिए अभी भी टिकट्स जो है वो मिल रही हैं। तो चलिए एंजॉय करते हैं, चेयर लिफ्ट का मजा लेते हैं। जनाब चेयर लिफ्ट का सफर, और ये है वो जगह जहां पर सामने आने वाला बंदा आपको कुछ भी कह सकता है। ये तो पता है ना कि मुलाकात तो होनी नहीं है, ये उधर जा रहा है, हम इधर जा रहे हैं। यहां तक कि लड़कियां भी आपको अकेले होने का ताना देना शुरू कर देती हैं। डर भी लग रहा है यहां पे थोड़ा बहुत, लेकिन एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा मौसम है। यहाँ पे बिठाने का जो नज़ारा है वो थोड़ा सा मुश्किल है।
वैसे तो पुरसकून माहौल है, लेकिन जब नीचे देखते हैं तो फिर चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। खैर कटता है ये सफ़र भी आसानी से। पीछे वो भाई बैठा था, बैठे थे डर रहे थे। यहाँ पे ऐसे बेवकूफ़ी ना करें आप। यहाँ पे कोई खास नज़ारा नहीं है, बस चेयर लिफ्ट का ही है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। कार लिफ्ट बंद कर दी गई थी तो सर चेयर लिफ्ट थी, तो थोड़ा सा मुख्तसर सा नज़ारा लेकर विजिट करके वापस आ रहे हैं। ये वापसी का मंजर है जो कि अभी रात होने वाली है। जिन्होंने जाना है वो चले गए और जिन्होंने स्टे कर रहे हैं वो अभी तक इधर हैं और शॉपिंग कर रहे हैं।
हाँ तो दोस्तों, सारा दिन की थकावट के बाद आखिर मैं होटल में पहुंच गया हूँ। रात हो गई, यहाँ पे स्टे करेंगे। ये देखें, साफ सुथरा कमरा है। यहाँ पे जाए नमाज है, नमाज का बंदोबस्त है, टीवी लगा हुआ है। बिस्तर, बेड, सारा कुछ माशाल्लाह A1 है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मुझे 1200 रुपये में मिला है, वो भी मरी में। मरी में रूम लेना बहुत ही मुश्किल है, यहाँ स्टार्टिंग 2500-3000 से होती है। तो रात यहाँ ठहर जाते हैं, सुबह इंशाल्लाह निकलेंगे। बाकी का जो मरी का इलाका रह गया, इंसान यहाँ घूमता हुआ, मरी में सबसे ज़्यादा इंसान सड़कों पर घूमता है, रास्ते ऐसे हैं, बल खाते हैं, घूमते घूमते इंसान थक जाता है, इंजॉय बहुत कम कर सकता है। जब इंजॉय का टाइम होता है तो इंसान थक जाता है। तो आज रात यहीं स्टे करेंगे, सुबह इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तो सुबह 14 अगस्त है, सबको मेरी तरफ से आज़ादी मुबारक। तो सुबह इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।